चपाती बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, दो कटोरी आटा, आधा कटोरी बेसन, स्वाद अनुसार नमक, दो चम्मच घी। अब इसको हम एक बाउल में डाल देते हैं। आटा दो कटोरी, एक दो और आधा कटोरी बेसन और स्वाद अनुसार नमक एक चम्मच डाल देते हैं। मिक्स कर लेते हैं। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद दो चम्मच घी डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम सादा पानी से गूंद लेते हैं। अब ये हमारा आटा गूंद लिया हमने। अब इसको एक कपड़े से हम झांक देते हैं और इसको हम एक घंटे के लिए रख देते हैं। A few moments later. दाल बनाने के लिए हमें चार प्रकार की दाल चाहिए, मसूर, मूंग, उड़द, अरहर। अब इसको एक बाउल में डाल लेते हैं। मसूर की, मूंग, उड़द, इसको मिक्स कर लेते हैं चारों दाल को। अब ये मेरी चारों दाल मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम एक गिलास पानी डाल देते हैं भीगने के लिए। हमने चारों दालों को भिगो दिया पानी से। अब इसको हम 30 मिनट के लिए रख देते हैं। A few moments later. 30 मिनट हो चुके हैं। हमने अपनी दाल को धुल लिया है। अब एक गैस को ऑन करते हैं, दाल को कुकर में डाल देते हैं। दो चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, ढक्कन लगा दो।
A few moments later. बाटी के लिए हम बेसन को भून लेते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दो स्वाद अनुसार। बेसन को हमने भून लिया। A few moments later. अब हम बाटी को भर लेते हैं। A few moments later. बाटी हमारी हमने बना ली सारी। गैस को ऑन करते हैं। उसके ऊपर एक एक करके गैस के ऊपर रख दिए। जब तक हमारी ये दाल बाटी इधर गैस पे बन रही तब तक हम दाल को फ्राई कर लेते हैं घी डाल के। डाल लेते हैं जीरा, सूखी मिर्च, लहसुन, प्याज।
प्याज को रेड होने देते हैं। टमाटर इसको हम भून लेते हैं। हमारा रेड होने लाल मिर्च, ओके, गरम मसाला, इसको मिक्स कर लेते हैं। दाल को डाल देते हैं कढ़ाई में। हरे धनिया, अब दाल मेरी बन चुकी है, रेडी है। पार्टी हमारी बन चुकी है एकदम, देखो रेड ये तैयार भी हो चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, एक प्लेट में निकाल देते हैं। अब हम इसको घी में भिगो लेते हैं। कटोरी में घी कर लिया हमने। ये हमारी ऐसे हम सारी बाटी को घी में भिगो लेंगे। आपको हमारी दाल बाटी कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। दिखाऊंगा तो भूमि में जल्दी आ।